फ्रेंड्स, मेरे एक सब्सक्राइबर हैं और आपका नाम है ललन शर्मा। आपने कमेंट बॉक्स में पूछा कि इच अदर और वन अनदर में क्या फर्क है, यानी कैसे जाने कि कब हमें इच अदर का यूज करना है और कब हमें वन अनदर का यूज करना है, जबकि दोनों का मीनिंग सेम होती है, यानी इन दोनों की मीनिंग आपस में होती है। तो आइए फ्रेंड्स, इस कॉन्सेप्ट को समझें। फ्रेंड्स, अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें, मैं आपके क्वेश्चन पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। फ्रेंड्स, इच अदर रिफर्स टू पीपल। वर्ड इच अदर का मीनिंग आपस में होती है और ये दो लोगों के लिए रिफर की जाती है। लेकिन अगर हम बात वन अनदर की करें, वन अनदर रिफर्स मोर देन टू पीपल और वर्ड वन अनदर की मीनिंग आपस में होती है, लेकिन ये दो लोगों के लिए यूज नहीं होती, बल्कि मोर देन टू पीपल यानी दो से ज्यादा लोगों के लिए यूज की जाती हैं। कहने का मतलब है फ्रेंड्स, इच अदर का यूज दो लोगों के लिए और वन अनदर का यूज दो से ज्यादा लोगों के लिए होती है। आइए इस बात को एग्जांपल में समझें। राज एंड रॉकी आर टॉकिंग इच अदर। इस सेंटेंस का मीनिंग हुआ, राज और रॉकी आपस में बात कर रहे हैं। यहाँ आपस में के लिए जो हमने वर्ड यूज किया वो है इच अदर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो लोग हैं, राज और रॉकी। आइए फ्रेंड्स, दूसरा एग्जांपल देखें। राज, रॉकी एंड रॉय आर टॉकिंग वन अनदर। इस सेंटेंस का मीनिंग है, राज, रॉकी एंड रॉय आपस में बातें कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर वर्ड आपस में के लिए हमने यूज किया वन अनदर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो से ज्यादा लोग आए हुए हैं। तो जब आपके सेंटेंसेस में दो से ज्यादा लोग हों तो वर्ड आपस में के लिए आप वन अनदर का यूज करेंगे। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको यह कंसेप्ट समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज शेयर करना ना भूलना। फिर मिलेंगे एक नए लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।